तमाम चीजें बताई। ये एग्जिट पोल है, अब 4 तारीख का इंतजार है। तो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार की हैट्रिक नजर आती है, तीसरी बार लौटती हुई नजर आती है मोदी सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक। और एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान है, इंडिया को 125 से 140 सीटों का अनुमान इस एग्जिट पोल के मुताबिक है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, और ये लीजिए एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार की हैट्रिक, तीसरी बार लौटती हुई नजर आ रही मोदी सरकार। एनडीए को 355 सीटों से ज्यादा का अनुमान है, और इंडिया जो गठबंधन है उससे 125 से 140 सीटों का अनुमान है। ये वो तस्वीर है एग्जिट पोल की, सबसे बड़े एग्जिट पोल की, सबसे वैज्ञानिक एग्जिट पोल की, सबसे बड़े सैंपल साइज एग्जिट पोल की क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है। फिर साफ कर दें, ये एग्जिट पोल है। 4 तारीख को इसके हिसाब से बातचीत शुरू की जाएगी, न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल। और अब बीजेपी सरकार इसमें लौटती नजर आती है, एनडीए सरकार की हैट्रिक, और 2019 के मुकाबले बीजेपी बढ़त। बीजेपी को 305 से 315 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 62 से 70 सीट के आसपास ही नजर आती है। मेगा एग्जिट पोल क्या कुछ निकल कर आ रहा है, बीजेपी सरकार की हैट्रिक बनती नजर आती है। अब बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ में किस तरह की स्थितियां हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का एग्जिट पोल, क्या स्थितियां हैं, 2 सीटें अभी कांग्रेस के पास। बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटों का अनुमान है, अभी कांग्रेस के पास 2 ही सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का यह एग्जिट पोल, न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का जो एग्जिट पोल है, वहां क्या स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की भी हम बात करेंगे, मेगा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश को लेकर क्या कह रहा है परसेंटेज, लेकिन जान लीजिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% और कांग्रेस को 43% वोट का अनुमान है। और लीजिए विजय शर्मा साहब साक्षात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत, और सबसे पहले तो जो एग्जिट पोल इस बार आ रहा है, तो बम्पर बल्लेबाजी आपकी और बल्लेबाजी का जो रिजल्ट है वो अब नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, आपका क्विक रिएक्शन सर। देखिए 400 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में मेहनत की है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश भर के लोगों ने वोट दिया है। और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कहूं मैं कि पिछली बार बम्पर सीट के साथ कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी 9 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की आई थी। इस बार जैसे देश में फिर से सीटें बढ़ रही हैं भाजपा नीत सरकार की, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ विष्णुदेव सरकार जिसने बहुत सारे काम किए हैं, प्रतिमान स्थापित किया है पूरे देश के सभी राज्यों के बीच में, इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि 11 में 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और देश में 400 सीट के पास हम पहुँचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है शर्मा साहब के, ऐसी 2-1 सीटें बताई जा रही हैं जहां बीजेपी के लिए चुनौती हैं जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है, किन छत्तीसगढ़ की किस सीट पर आपको ज्यादा चुनौती महसूस हुई, आपने तो जमकर पसीना भी बहाया कैंपेनिंग के दौरान। नहीं, हम लोगों ने खूब सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना 3 फैक्टर कह रहा हूँ, विष्णुदेव जी की सरकार जिस पर माताओं बहनों को अगाध विश्वास हुआ है और बहुत आशीर्वाद सबको मिला है, दूसरा पिछली बार जब इतनी बड़ी सरकार कांग्रेस की बनी थी तो भी यहाँ पर 9 सीटें लोकसभा की आई हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और तीसरा जो ट्रेंड आपको पूरे देश में दिख रहा है कि पहले चुनाव 2014 के चुनाव 2019 के चुनाव में और वो सीट बढ़कर मिले हैं और वोट परसेंटेज बढ़ा है, और इस चुनाव में फिर से सीट बढ़ रहा है, वोट परसेंट बढ़ रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत किया है बहुत, ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जिसके आधार पर 11 सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली। जी एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि ठीक पहले एग्जिट पोल की शुरुआत से ठीक पहले एक बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उनका दावा है, खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम 290 लेकर आ रहे हैं, आपका रिएक्शन।
देखिए भाई, वो जो अपनी अपने दावे तो सबके होते हैं, उसमें मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनता देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, चूंकि जनता एक सुरक्षित सरकार चाहती है, चूंकि जनता एक मजबूत सरकार चाहती है, जनता चाहती है कि देश में फिर से आतंकवादी हमले ना हो, जनता का ये मानना है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हों और दुनिया के पटल पर देश का सामर्थ्य सर चढ़कर बोले सबके, ये जनता के मन में भाव है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। जी जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि ये मैंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लंबी चौड़ी रेल यात्रा की है, रेल यात्रा के दौरान ये नजर आया, स्थानीय नेता या सांसद या सिटिंग एमपी, इनको लेकर एक नाराजगी है। ये बात सही है कि लोगों की अगाध भरोसा लोगों का प्रधानमंत्री मोदी पे है, लेकिन जो एमपीज हैं, सिटिंग एमपीज रहे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनको लेकर नाराजगी है। हालांकि उसमें शर्मा साहब का नाम नहीं है, पर नाराजगी है। नहीं, मसला ऐसा है, भारत भाजपा की तरफ से लोकसभा की सीटों का भी वितरण मिक्स फॉर्मेट में किया गया है, नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। इस तरीके से अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी रही है तो उसको भी मैनेज कर लिया गया है, उसको भी हटा दिया गया है। जी जी, बस्तर में कहीं कोई चुनौती? कवासी लखमा की कैंपेनिंग को देखकर ऐसा लगता है, उनका ठेठ अंदाज, देसी अंदाज। जी प्लीज। नहीं, उनसे भी ज्यादा ठेठ वो हैं जो हमारे प्रत्याशी रहे, आप आने तो दीजिए, उनको देखेंगे आप। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, नक्सलवाद को लेकर आप एकदम एग्रेसिव इनिशिएटिव, अगर मैं इसे कहूं तो गलत नहीं होगा, बहुत तेजी से इसे लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह साहब का भी मानना है कि अब एकदम क्लियर हो जाएगा। बस्तर की जनता का दर्द बहुत हो चुका है और दर्द का हिसाब तो होना ही होता है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं नक्सलवाद को लेकर? अब तो सरकार की स्थितियां लगभग लगभग क्लियर हैं, 4 तारीख का इंतजार है, उसके बाद क्या हमें नजर आने वाला है ऑन फील्ड? मैं पूरी बातों के साथ आपको एक बात कह रहा हूं, नक्सलवाद के उन पूरे कामों में लगे हुए सारे लोगों में से 95% से ज्यादा वो लोग हैं जो बिल्कुल उस दिशा में नहीं रहना चाहते, किसी कारण से फंसे हुए हैं जी। उन सब के लिए बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ लाकर के सरकार काम करने वाली है। सारे लोग 95% से अधिक, आपसे कह रहा हूं मैं, वो सब मुख्य धारा में आने वाले हैं और मुख्य धारा में आकर के काम करने वाले हैं। बस्तर के गांवों तक सरकार विकास पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है। बस्तर के गांवों के विकास के मार्ग में नक्सलियों ने आईईडी बिछा रखा है, ठीक, ये गलत है। वहां पर 25 साल के नौजवानों ने भी टीवी नहीं देखा है आज तक, हाँ, ये भी स्थिति वहां की है। इसलिए प्रार्थना भी है हमारी, चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, खून खराबा नहीं होना चाहिए और नक्सलिज्म का समापन बस्तर से होना चाहिए। इस माओवाद ने पूरी दुनिया को कुछ नहीं दिया जी, यहाँ क्या होने वाला है? ठीक ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय शर्मा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और फ्रॉम द डे फर्स्ट बहुत परफेक्शन जो उनका मिशन है नक्सलवाद को लेकर वो एकदम क्लियर है। वो इधर उधर की बात हो सकती है, वो आलोचनाओं का मसला हो सकता है, लेकिन टारगेटेड ऑपरेशन जिसको बोलते हैं उसे लेकर वो एकदम क्लियर है। इसी वजह से मैंने बस्तर का सवाल पूछा एग्जिट पोल के साथ साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। और अब मध्य प्रदेश की भी हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में किस तरीके, छत्तीसगढ़ की हमने बात कर ली, मध्य प्रदेश की भी हम बात करेंगे, लेकिन रिएक्शन लगातार आ रहे हैं वो जान लीजिए। ये अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ जी, हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, NDA का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ जी, हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग
तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार, हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। हमारे साथ डिप्टी सीएम मौजूद है अरुण साव जी। 400 सीट पार का लक्ष्य आप लोगों ने रखा था, क्या जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उस पर क्या मानते हैं आप? एग्जिट पोल का नतीजा हमारे अनुमानों के नजदीक पहुंचा है, पर जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, जो हमारा अनुमान है एनडीए 400 पार होने वाला है और 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जी, वोट परसेंटेज का जो अनुमान आप लोगों ने रखा था क्या लगता है वो परिणाम के अनुरूप बढ़ पाएगा? देखिए, जब परिणाम आएगा तब वो बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है आज के एग्जिट पोल के नतीजों से कि अब की बार 400 पार होने ही वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का लक्ष्य है, कहीं ना कहीं 9 से 11 एग्जिट पोल बता रहे, क्या लग रहा है क्लीन स्वीप होगा या फिर? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप होने वाला है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कांग्रेस का तो 15 से अधिक राज्यों में खाता नहीं खुलने वाला है, छत्तीसगढ़ सहित शून्य में आउट होने वाली है कांग्रेस पार्टी जी। ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका कहना है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है, जो भाजपा ने लक्ष्य रखा था वो पूरा होने वाला है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। मुझे ये बोलते हुए कि जिस बात को लगातार हम लोग बोलते रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, हमारे पूरे हिंदुस्तान के नतीजों के बारे में, मोदी जी के गारंटी के बारे में, आज वो प्राथमिक दृष्टि से एग्जिट पोल में 100% खरा उतर रहा है। दक्षिण में जिस धमाकेदार बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, मुझे लगता है कि दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये सभी क्षेत्रों में ये कंटिन्यूअस बढ़त रहेगी। आज ठीक है कि एग्जिट पोल है 4 तारीख के नतीजे में, मगर निश्चित रूप से इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और राज्यवार भी हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह की स्थितियां हैं राज्यों में, किस तरह की स्थितियां हैं। अब जरा मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ का आपने देखा, छत्तीसगढ़ का मेगा एग्जिट पोल आपने देखा, वोटिंग परसेंटेज की बात कर ली, अब मध्य प्रदेश में अगर सीट के लिहाज से देखा जाए तो 2 गुना सीट पर सिंधिया को बढ़त नजर आती है, ये एग्जिट पोल है। लेकिन छिंदवाड़ा में कांटे की टक्कर है, नकुलनाथ और बंटी में यादवेंद्र पिछड़ते नजर आते हैं 1 गुना से, और छिंदवाड़ा में नकुलनाथ और विवेक बंटी, इनमें कड़ी टक्कर नजर आती है सीट के हिसाब से, हम आपको बता रहे हैं। गुना सीट पर सिंधिया को बढ़त नजर आती है। यादवेंद्र सिंह को हालांकि जो मौका दिया गया था वो यादव वोटर्स के लिहाज से दिया गया था, तो क्या वो फैक्टर काम किया नहीं किया ये तो आपने तय कर दिया है, 4 तारीख को इस पर भी बात होगी। लेकिन न्यूज 18 पोल हब मेगा एग्जिट पोल एक मोटी तस्वीर वोटर से पूछने के बाद जो बनती है वो आपको बता रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर एग्जिट पोल, एमपी में बीजेपी को बंपर सीट, 26 से 29 सीट मिलने की बात कही जा रही है, कुल 29 सीट है। कांग्रेस को 3 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस के पास फिलहाल मध्य प्रदेश में 1 सीट है। इन सब के बीच, इन 2 इलेक्शंस के बीच बहुत बदलाव आया है मध्य प्रदेश की सियासत में। गुना सीट पर सिंधिया को बढ़त नजर आती है। इस बार की कैंपेनिंग देख लीजिए, पूरा सिंधिया परिवार इस तरह से नजर आया कि वो चाहे प्रियदर्शनी हो, चाहे महान आर्यमन हो, वो खुद चुनाव में लगातार एक्टिव रहे। अब जरा वोटिंग परसेंटेज जान लीजिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 59% वोट मिल सकता है यानी बढ़त, और कांग्रेस को 32% वोट का अनुमान है।
जबकि अन्य के खाते में 9% वोट जाते नजर आते हैं। फिर साफ कर दें, बात अनुमान की है, यह एग्जिट पोल है। 4 तारीख को विस्तार से बातचीत होगी, उससे पहले एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थितियां हमने आपको बताई, और क्या स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। इंडिया 125 से 140, अन्य के खाते में 42 से 52 सीट जाती नजर आती हैं। ये ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं, 543 में से 543 ओवरऑल की क्या स्थितियां हैं। कुल 543 के बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एनडीए 355 से 370 स्लोगन का हिस्सा रहा है एनडीए का। इंडिया के खाते में 125 से 140 सीट जाती नजर आती है, जबकि अन्य के खाते में 42 से 52 सीट जाती नजर आती हैं। मेगा एग्जिट पोल और पूरे देश की तस्वीर क्या है वो इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। एनडीए के खाते में 355 से 370 2019 के मुकाबले और बेहतर परफॉर्मेंस। इंडिया के खाते में 125 से 140 और अन्य के खाते में 42 से 52 सीट जाती नजर आ रही है इस मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक। साफ कर दें, 4 तारीख को जनता जनार्दन, जनता परमेश्वर, जनता है भगवान, आपका जनादेश कैद है। और ये जो मेगा एग्जिट पोल है ये भी उसी जनता जनार्दन से पूछकर किया गया है। लेकिन अब जब 4 तारीख को चर्चा होगी तब इस एग्जिट पोल को लेकर भी बातचीत की जाएगी। न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, 2024 543 में से 543 के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं अपने दर्शकों को। एक बार फिर साफ कर दें, एनडीए 355 से 370, इंडिया 125 से 140, अन्य के खाते में 42 से 52 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अब रिएक्शंस की भी बात हम आपको बता दें। डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी जान लीजिए। सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है, मैं भगवान से कामना करता हूँ ये सरकार फिर भारत को आगे बढ़ाने में सिद्ध हो। यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को न केवल दुनिया का नंबर वन का देश बनाना चाहते बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई, और ये प्रेम हमारा बना रहे। मैं यही कामना करते हुए भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराता। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं और उस हिसाब से लग रहा है कि एक बार फिर एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और जबरदस्त बहुमत दिख रहा है बीजेपी सरकार एनडीए को। अब की बार 400 पार ये नारा नहीं था, ये जनता के दिल की आवाज़ थी, ये भारत की जनता का संकल्प था तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी जनता का विश्वास है, श्रद्धा है, उनमें भक्ति है, इसलिए लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए हैं, इस बार जी भर के वोट दिए हैं, इसलिए हम 400 पार जा रहे हैं। आप 400 पार जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस 100 के अंदर सिमटती दिख रही है। मुझे लगता है कि 100 के अंदर नहीं, 100 के बहुत अंदर सिमटेगी, और इस चुनाव के बाद अप्रासंगिक ही हो जाएगी। इस बार एमपी की बात करें तो 29 की 29 सीटें बताई गई, इस बार लग रहा है नकुल नाथ भी हारने वाले हैं। 29 की 29 भाजपा जीत रही है छिंदवाड़ा सहित और भारी अंतर से। इस बार काफ़ी कुछ रहा, ध्यान लगाया पीएम ने, उसको लेकर भी विपक्ष ने खूब राजनीति की, लेकिन अब तो एग्जिट पोल के बाद विपक्ष गायब दिख रहा है। विपक्ष तो घटिया आरोप लगाना, व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले काम परिणाम।